हेलो फ्रेंड, इंडियन एडवांस स्टडीज़ पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उड़ीसा बीएससी नर्सिंग के रिगार्ड बारे में। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म कभी रिलीज़ होगा, इसका काउंसलिंग कभी स्टार्ट होगा, मेरिट लिस्ट कभी आएगा, इसका एडमिट कार्ड कभी आएगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम कभी होगा, सभी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और गूगल पर सर्च करना है उड़ीसा बीएससी नर्सिंग 2021 और आगे आपको लिखना आईएएस पेपर। आईएएस पेपर एक ऐसा एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आपको उड़ीसा बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन रहेगा आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है iaspaper.net, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना। क्लिक करते आप आईएएस पेपर की वेबसाइट पर जाएंगे जहाँ पर आपको मिलेगा उड़ीसा बीएससी नर्सिंग 2021 डीमैट एप्लीकेशन फॉर्म आउट सून। एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी रिलीज होएगा। डेट्स, एलिजिबिलिटी पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। जहाँ पर आपको नीचे मिलेगा उड़ीसा बीएससी नर्सिंग 2021 नोटिफिकेशन एप्लीकेशन रिलीज सून। एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी रिलीज होगा। उससे पहले आपके सामने जो फॉर्म आया उसे फिल कर लेना। आपका फुल नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आप कौन से स्टेट से, आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना। जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरला, कर्नाटक, वहाँ पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपको कौन से सिटी से, आपको सिटी क्या है, सिटी सेलेक्ट कर लेना। सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है या किसी कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, किसी कोर्स की आप जानकारी लेना चाहते हैं, उस कोर्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इंजीनियरिंग, बीटेक, एमटेक, मैनेजमेंट, बीबीए, एमबीए, डिजिटल लर्निंग एमबीए, बीसीए, एमसीए, कंप्यूटर, फैशन डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, मीडिया, फिल्म, लॉ, साइंस, बीएससी, एमएससी, उसे सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपका हायर क्वालिफिकेशन क्या, आपका हायर क्वालिफिकेशन जो रहेगा उसे सेलेक्ट कर लेना। 10th, 12th, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, मास्टर पीजी, आपको वो सेलेक्ट करके गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक कर देना। जैसे आप गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करेंगे तो उड़ीसा बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन रहेगा आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के थ्रू आपके जीमेल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता रहेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है उड़ीसा बीएससी नर्सिंग 2021 एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिलीज सून। एप्लीकेशन फॉर्म इसका जल्दी रिलीज हो जाएगा। क्लिक हियर टू चेक एप्लीकेशन डिटेल। एप्लीकेशन डिटेल देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करते आप एप्लीकेशन फॉर्म के पेज पे जाएंगे। अप्लाई हियर ऑनलाइन पे यहाँ पे आपको दिखेगा उड़ीसा बीएससी नर्सिंग 2021 एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिलीज सून। द लिंक विल बी प्रोवाइड हियर, इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। एप्लीकेशन के रिगार्डिंग क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेगा आपको सारी डिटेल मिल जाएगी यहाँ पे। उससे पहले अगर आपने ये फॉर्म भर दिया है तो इसे सिंपली कट कर देना। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भर दिया तो जैसे मैं बता दूँ ये फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर पर ही सारी नोटिफिकेशन मिलेगी तो आपको इसे अच्छी तरीके से फिल कर लेना। आपको डॉक्यूमेंट कौन सा लेके जाना है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से आप डॉक्यूमेंट, आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, किस तरह आप पेमेंट कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे आपको ऑप्शन, यहाँ पे मेन पेज पे लेके जाता हूँ आपको। यहाँ पे मिल जाएगा आपको हाईलाइट्स कुछ हैं इस एग्ज़ाम के बारे में। उड़ीसा बीएससी नर्सिंग के कुछ हाईलाइट्स हैं आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एग्ज़ाम नेम क्या होता है, एग्ज़ाम नेम उड़ीसा बीएससी नर्सिंग है। इसका फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म यही है उड़ीसा बीएससी नर्सिंग। एग्ज़ाम टाइप क्या है, एग्ज़ाम यूजी लेवल का एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम लेवल क्या है, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है। आपका स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है वो रहेगा। कोर्सेज ऑफर्ड, कौन सा कोर्सेज ऑफर हो रहा है आपका, साइंस, साइंस ऑफर। कंडक्टिंग बॉडी, इसे कौन कंडक्ट कर रहा है, इस साल इसे कौन कंडक्ट कर रहा है आपको यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग उड़ीसा, उड़ीसा के डायरेक्टर जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। उसके बाद एप्लीकेशन मोड, एप्लीकेशन मोड इसका ऑनलाइन रहेगा। इसका एप्लीकेशन मोड ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से भी जाके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। और हेल्पलाइन दिया हुआ है यहाँ पे, आप ऑफिशियल अथॉराइज जो है उनको कांटेक्ट करके या इनके इस ईमेल के थ्रू आप जाके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। government.in आपको यहाँ पे उड़ीसा बीएससी नर्सिंग 2021 एग्ज़ाम डेट, आपको एग्ज़ाम डेट जो होता है, इंपॉर्टेंट इवेंट जो होता है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे इसका एप्लीकेशन फॉर्म कभी रिलीज़ हो रहा है, कब तक सबमिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन लिस्ट कभी आएगा, एप्लीकेंट लिस्ट, जो एप्लीकेंट जो अप्लाई हो गए उसका लिस्ट कभी आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोवल सेंटर कभी होगा, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कभी आएगा, यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन मेरिट लिस्ट कभी होगा, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कभी होगा, लॉकिंग राउंड कभी होगा, पब्लिकेशन सीट अलॉटमेंट लेटर जो भी है वो कभी आएगा, ऑनलाइन पेमेंट ऑफ पर्स राउंड, चॉइस ऑफ अपग्रेडेशन कभी होगा, ये आपको दिया हुआ है। अलॉटमेंट सीट अलॉटमेंट सेलेक्शन कैंडिडेट सेकेंड राउंड कभी होगा इसका, ऑनलाइन पेमेंट पार्ट कोस्ट सेकेंड राउंड ऑफ चॉइस अपग्रेड कभी होगा इसका, अलॉटमेंट थर्ड कभी चालू होगा, ऑनलाइन पार्ट ऑफ कभी होगा राउंड कभी होगा इसका,
कमिश्नर ऑफ क्लास का भी होगा, अपलोडिंग डेटा आगे जो मैनेजमेंट ऑफ कॉलेज सीट आपको 15% रहेगा, मैनेजमेंट सीट वैकेशन सीट ऑफ 85%, गवर्नमेंट का कोटा सीट्स रहेगा। आपको ऑफिशियल वेबसाइट से जाके यहाँ पर पिक कर देना, आपको सारी डेट्स और इवेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से जाके आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर देना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड रहेगा, ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आपको फिल करना, आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसे अच्छी तरीके से फिल कर लेना, एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा उसे अच्छी तरीके से फिल कर लेना, आपको इंस्ट्रक्शन जो भी रहेगा उससे पहले आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप उसके लायक है कि नहीं उसे चेक कर लेना। आपको अगर आपको थोड़ा भी क्वालिफिकेशन कम रहेगा आपको रहेगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो टाइम पास करके फ़ायदा नहीं है। आपको अगर उस लायक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका है तो ही आप अप्लाई करिए इसके लिए। तो आपको ऑफिशियल अथराइज जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, लाइक क्राइटेरिया आपको मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है, आपको एप्लीकेशन प्रोसीजर मिल जाएगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल कर लेना, आपको एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपना डिटेल फिल कर लेना है, जैसे आपको पर्सनल डिटेल आपको फिल कर लेना है, एजुकेशनल डिटेल आपको फिल कर लेना है, उसके बाद कोर्स रिलेटेड डिटेल, पेरेंट एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको फिल कर लेना, फर्दर डिटेल और भी जो डिटेल वहाँ पे मेंशन रहेगा उसे आपको इंस्ट्रक्शन में इसी तरीके से फिल कर लेना। फिल करने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल लेना है, जैसे आप एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकालेंगे तो प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट का आपको एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट फ़ी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ़ी, बिना एप्लीकेशन फ़ी के आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं होगा। यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है फ़ी है जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, पे द एप्लीकेशन फ़ी थ्रू बैंक चलान आपको पे करना पड़ेगा, द एप्लीकेशन फ़ी इज़ 1000 रुपीज़, 1000 रुपये आपका फीस रहेगा। यहाँ पे एप्लीकेशन मोस्ट नोट द चलान शुड बी मेड द फेवरेट डायरेक्टर ऑफ नोटिस ओडिशा सेलेक्ट फीस आपका रहेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया HOD होल्डिंग ब्रांच से आप फेंक सकते हैं। यहाँ पे चलान शुड बी मेंशन एड्रेस बिफोर द ड्यू डेट से पहले आपको चलान इस एड्रेस पे मेंशन करना है, आपको इस एड्रेस में भेजना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे जैसे एप्लीकेशन फॉर्म में बताया गया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं वो चेक कर लेना। आपको अगर आप ओडिशा बीएससी नर्सिंग के लिए अगर आप अप्लाई कर ले तो आपको आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए। अगर बीएससी नर्सिंग के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका कंप्लीट रहना चाहिए HSC, आपका 12th जो है वो बोर्ड कंप्लीट रहना चाहिए। आपका एज क्राइटेरिया जो मिनिमम है आपका कम से कम एज है वो 17 के ऊपर रहना चाहिए। आपका 17 के अंडर रहेंगे तो आपको अप्लाई नहीं करना इसके लिए। उसके बाद कंपलसरी जो सब्जेक्ट रहता है आपको यहाँ पे दिया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी अलोंग विथ इंग्लिश, यहाँ पे आपको बायोलॉजी अलोंग विथ इंग्लिश दिया हुआ है, एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। अगर आप बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्वालिफाइड मार्क्स कितना रहना चाहिए, यहाँ पे मोर देन 45% आपका मार्क्स रहना चाहिए क्वालिफाइड HSC आपका 12th में। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपका स्कोर मिनिमम 40%, आपको 5% की छूट रहेगी, आपको 40% तक रहेगा तो भी आपको डोमिसाइल लगेगा, आपको डोमिसाइल ओडिशा स्टेट का ही लगेगा, आपको ओडिशा स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट फिल करना है, उसके बाद आपको एडमिशन मिलेगा। मेडिकल फिटनेस आपको मेडिकल फिट रहना है, जिस आप अप्लाई कर रहे हैं मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट लगेगा आपको, टाइम टू एडमिशन के टाइम पे आपको मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट लगेगा, आपको मेडिकल फिट है ना। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट रिलीज़ होगा, मेरिट लिस्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट से रिलीज़ होगा, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम रहेगा उसका मेरिट लिस्ट रिलीज होगा, एलिजिबल टू गेट एडमिशन आपको मेरिट लिस्ट रिलीज होगा। आपका मेरिट लिस्ट रिलीज होने के बाद कैटेगरी एप्लीकेशन रहेगा, हाउएवर द मेरिट लिस्ट भी बेसड मार्क द स्कोर है, आपका एंट्रेंस एग्जाम में जो मार्क्स रहेगा उसके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट रिलीज होगा। द मेरिट लिस्ट विल बी कॉन्टेक्ट द नेम ऑफ मैन नॉमिनेशन एप्लीकेशन विद द क्लियर एंट्रेंस एग्जाम जो क्लियर कर लेंगे उनका ही रहेगा। ऑफिशियल अथराइज जो है एप्लीकेशन ऑनलाइन रहेगा, एप्लीकेंट ऑनलाइन मोड आएगा, मेरिट लिस्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मेरिट लिस्ट अपना चेक करना रहेगा। मेरिट लिस्ट आपका चेक करने के बाद ओडिशा बीएससी नर्सिंग के काउंसलिंग राउंड में आपका होगा, काउंसलिंग राउंड के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, काउंसलिंग राउंड स्टार्ट होगा, काउंसलिंग राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मेरिट लिस्ट के बाद थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट कंडक्ट द काउंसलिंग सीजन एप्लीकेंट्स के लिए काउंसलिंग राउंड स्टार्ट होगा, काउंसलिंग सीजन एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन द पर्सनल अलोंग विथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको फिल करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म इसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, अलोंग विथ जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेगा उस पर एप्लीकेशन
विल गेट एडमिशन इंस्ट्रक्शन द काउंसलिंग सीजन। काउंसलिंग सीजन में आपको एडमिशन मिल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था ओडिशा बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन रहेगा, कोई भी जानकारी आपको इसी वेबसाइट से मिल जाएगा। और भी यूनिवर्सिटी के वो अप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दिया हुआ है, यूपीएससी यूजी दिया हुआ है, यूपीएससी पीजी दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी दिया हुआ है, जीडी गोनिका यूनिवर्सिटी दिया हुआ है नोएडा। एडमिशन ओपन हो चुका है, ये सब का एडमिशन ओपन हो चुका है। यहाँ पे भी जाके अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पेज की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जहाँ से जाके आप डायरेक्टली ओडिशा बीएससी नर्सिंग को चेक कर सकते हैं, इसके सारी जानकारी ले सकते हैं। इस पेज की उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आई है तो।